हम पहुंच गए हैं झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे लिखा हुआ है झाड़ग्राम विश्वविद्यालय। क्या आप जा सकते हैं? क्या जा सकते हैं? गिरेगा तो नहीं? नहीं गिरेगा। मेरे पैर में घुस गया एक पैर। लेकिन इस जगह पे एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है यहाँ का पॉल्यूशन, सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। जाए ओ सॉरी, मैं बांग्ला बोल रहा हूँ। Forget all the things you've been told. Don't blink, don't run. तो आज का जो जगह है, ये जगह के बारे में मुझे कहने का जरूरत नहीं है। आप सबको पता है मैं किस जगह पे अभी खड़ा हूँ। ये है स्टेट हाईवे नंबर 5, जो हमारा झाड़ग्राम शहर का एंट्रेंस पॉइंट भी है और साथ ही साथ एग्जिट पॉइंट भी है। आज का वीडियो को टाइटल देख के आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी का व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी या रामचंद्र मुर्मू यूनिवर्सिटी, रामचंद्र मुर्मू यूनिवर्सिटी या झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी, यही आजकल चल रहा है डिबेट में, फेसबुक में, हर एक सोशल मीडिया में इसी को लेकर डिबेट चल रहा है। लेकिन इससे पहले भी झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी बहुत सारे डिबेट में आया है। कुछ लोगों का मानना है कि झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी जिस जगह पे बन रहा है वो हमारा शहर का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जगह है। कुछ लोग ये भी कह रहा है कि झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इतने सारे जो पेड़ कटा गया है उसका रिकवरी कभी भी नहीं हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा है झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी के बारे में। कुछ दिन पहले हमारा यहाँ का CM जो ममता बनर्जी, उन्होंने आई थी झाड़ग्राम में और उन्होंने आकर के हमारा झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके रामचंद्र मुर्मू यूनिवर्सिटी रखी थी। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों, नाम पे कुछ नहीं रखा है। एक यूनिवर्सिटी में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टूडेंट लोगों के लिए अच्छा पढ़ाई करने का सुविधा होना चाहिए, अच्छे टीचर्स होना चाहिए, अच्छे टॉयलेट्स होना चाहिए, अच्छा प्लेग्राउंड होना चाहिए, अच्छा जिम होना चाहिए। ये सब कुछ अगर एक यूनिवर्सिटी में होता है तो नाम पे कुछ नहीं रखा जाता है। नाम तो एक नाम रह जाएगा लेकिन यूनिवर्सिटी का जो शान है वो दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रीतम डी ब्लॉगर आप सबको स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। मैं अभी स्टेट हाईवे नंबर 5 पे हूँ और यहीं से आज का वीडियो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इतना खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हो और झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी का ब्लॉग पहली दफ़ा मैं ही बना रहा हूँ, इससे पहले कोई नहीं बनाया है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ आपको पता लगने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और आज ही अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट गेट स्टार्टेड। तो झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी का नाम झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी रखा तो गया है, लेकिन झाड़ग्राम का जो मेन टाउन है वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सिटी झाड़ग्राम से 5 या 4 किलोमीटर दूर जीतूसोल बोल के एक जगह है जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी बन रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर यूनिवर्सिटी शहर का बीचों बीच बन जाता तो स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता। यहाँ पे लोगों का साइकिल में या बाइक पे जाने में जितने दिक्कतें होते हैं या फिर हो रहे हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए मेरे हिसाब से इसको नाम जो झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी रखा गया है इसका नाम चेंज करके जीतूसोल यूनिवर्सिटी रखा जाएगा तो अच्छा होगा। अभी आगे में जो आप पुलिया देख रहे हैं, ये जो पुल का लेफ्ट साइड पे एक रास्ता गया है और इसी लेफ्ट साइड से आप सीधे चले जाएंगे, ये जो रास्ता है तो ये आपको सीधा लेके जाएगा झाड़ग्राम का जो हर्बल गार्डन है, जिसको बंगाली में भेषज उद्यान कहा जाता है, उस जगह पर आप पहुँच जाएंगे। लेकिन खैर छोड़िए, उसके बारे में और दिन हम बात करेंगे। मेरे इस साइड का लेख रहे हैं कौशल्ला हेरिटेज, इसके बारे में किसी और दिन मैं बताऊंगा। जब हम छोटे थे, जब हम क्लास 6-7 में पढ़ाई करते थे तो ये कौशल्ला हेरिटेज के बारे में बहुत कहानियां करते थे। ये बहुत महंगा है और बहुत बहुत पैसे लगते हैं, एक एक नाइट के लिए यहाँ पर 2-3 हज़ार पैसे लग जाते हैं। लेकिन मैंने कभी आया नहीं हूँ। अगर आप में से कोई भी ये कौशल हेरिटेज में नाइट स्टे किया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं भी इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। हम पहुँच गए हैं झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर लिखा हुआ है झाड़ग्राम विश्वविद्यालय, यहाँ पर देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी। तो मैं अभी इसके अंदर से घुसूंगा और पूरा का पूरा नज़ारा आपको दिखाऊंगा। अभी मैं धीरे धीरे इस यूनिवर्सिटी को दिखाऊंगा, घूमूंगा, यहाँ के लोगों के साथ भी बातचीत करूंगा और किस तरह से इस जो बिल्डिंग्स को सजाया जा रहा है यूनिवर्सिटी के रूप में वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। सो जैसे आप देख रहे हैं मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी या फिर रामचंद्र मुर्मू यूनिवर्सिटी, आप जो भी कह सकते हैं। और ये है उसका 360 व्यू।
मैं खुद विद्यासागर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी विजिट किया है, मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी विजिट किया है, लेकिन पहली बार हमारे शहर में, हमारा डिस्ट्रिक्ट में, झाड़ग्राम में ये इतना बड़ा जो बिल्डिंग बन रहा है, इतने बड़े बड़े जो आप इमारतें देख रहे हैं, इसका एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है, वो है शिक्षा प्रदान करना। और हमारे जैसे बैकवर्ड जो एरिया है, जिसको झाड़ग्राम को बैकवर्ड एरिया कहा जाता है, इस एरिया में इस तरह का यूनिवर्सिटी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं अभी इसका जो बड़े बड़े इमारत आप देख रहे हैं, इसके अंदर जाऊंगा, कितने सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। फिलहाल तो यहां पे चारों तरफ सिर्फ ईंट, सीमेंट और रड, यानी कि लोहा, मैं यहीं देख पा रहा हूं। अभी अभी जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, यहां पे अभी काम चल रहा है, ढलाई हो रहा है। और मैं यहां पे जो कंट्रेक्टर है उनसे बात की, और बात करने के बाद मुझे पता चला अभी भी काम यहां पर समाप्त नहीं हुए, काम हर रोज़ चल रहा है, हर महीना चल रहा है, और बहुत सारा काम अभी भी बाकी है, बहुत सारे बिल्डिंग्स अभी बनाना है, बहुत सारे यहाँ पे चीज़ होगा जो पहली बार झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी को एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। मैं बार बार झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रामचंद्र मुर्मू यूनिवर्सिटी बोलने में थोड़ा आदत डालना पड़ेगा, कुछ दिन बाद वो अपने आप आ जाएगा, लेकिन पहले से ही मैं झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी बोलते आया हूँ, तो फिलहाल के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मैं जो आपको बोलने वाला था कि ये जो चीज़, ये जो कंस्ट्रक्शन अभी बन रहा है, ये बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, और आगे भी जाके यहाँ पे बहुत सारे और भी काम होगा जो हमें देखने को मिलेगा आने वाले कल में। मेरे पीछे आप जो ये बाउंड्रीज देख रहे हो, ये जो बाउंड्रीज आपको नील और सफ़ेद रंग का दिख रहा है, ये बाउंड्रीज बंगाली में जिसको पाचिल कहा जाता है, ये करीब 1.5 किलोमीटर एरिया लेके बन रहा है। 1.5 किलोमीटर मतलब कितना विशाल है ये जगह, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1.5 किलोमीटर रेडियस पे ये जो बाउंड्रीज है ये फैला हुआ है। और बात करने पर मुझे पता चला ये जो प्राचीर या फिर जो बाउंड्री आप कह सकते हो, ये जो दीवारें आप कह सकते हो, ये दीवार किसी अलग कंट्रक्टर को दिया गया था जिन्होंने इस दीवार को बनाया। बिल्डिंग्स किसी अलग कंट्रक्टर को दिया जा रहा है जो किसी अलग तरीके से वो बनाएगा। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है कि मिलजुल के यहाँ पे काम हो रहा है, नहीं तो ऐसा होता है कि एक ही कंट्रक्टर पूरा का पूरा काम करने का ठेका ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, यहाँ पर सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो फाइनली मैं जो रामचंद्र मुर्मू यूनिवर्सिटी है उसके ग्राउंड फ्लोर में पहुंच चुका हूं, और ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, तो मैं अभी ऊपर जा रहा हूं और देखूंगा इसका टॉप फ्लोर में जाके इस पूरा जगह का व्यू। और मैं सभी से ये बात बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी जैसा भी हो, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से लिखोगे, ध्यान से आप एडुकेशन को अपनाओगे, तो कोई भी यूनिवर्सिटी में जा कर के आप अच्छे रिजल्ट कर सकते हैं। नज़ारा कुछ इस तरह का लग रहा है, और खूबसूरत कहना सिर्फ कम होगा, बहुत बहुत खूबसूरत है। आप देख रहे हैं दूसरे बिल्डिंग में लेबर लोग जो है काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप एकदम यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी जो है लेबर लोग काम कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा धूप में ये लोग मेहनत करते हैं, तो इनको सैल्यूट करता हूँ कि भाई बहुत मेहनत का काम आप लोग कर रहे हो। तो चलते चलते मेरे साथ मिल गया है राजू भाई। तो राजू भाई, मैं ना एक वीडियो बना रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में, और आप मुझे घुमाकर दिखाओ कि इस यूनिवर्सिटी में कहाँ कहाँ रूम बन रहा है, क्या कुछ बन रहा है, अब दिखा सकते हो क्या? ये तो पूरा रूम भी बन, ये पूरा रूम बन रहा है ना? कितना ये तो इतना कितना तला बन रहा है? 2 तला, 3 तला, 4 तला, 4 माला, 4 माला पूरा बन गया या फिर बन रहा है? बन गए हैं? नहीं बने, बना अभी स्लैब बाकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या कुछ जाने के लिए बना रहा है क्या? कनेक्टर बन रहा है? हाँ, जाने के लिए। कि आप जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं ना। गिरेगा तो नहीं? नहीं गिरेगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कनेक्टर जैसा बन रहा है, मतलब एक बिल्डिंग से अगर दूसरे बिल्डिंग में अगर आप आना चाहते हो तो ऐसे कनेक्टर के जरिए आप आ सकते हो। चलिए राजू भाई थोड़ा चलते हैं, मुझे डर भी लग रहा है, अगर टूट जाएगा तो काम तमाम हो जाएगा। राजू भाई, इस यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल गया है, 2 दिन पहले नाम इसका चेंज किया है, पहले तो झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी था, वो चेंज करके
रामचंद मुर्मू यूनिवर्सिटी किया गया है। अभी ऑफिशियली मुझे पता नहीं है इतना किया है कि नहीं, लेकिन शायद वो नाम चेंज हो जाएगा। अच्छा, लग रहा है चेंज हो जाएगा तो। लेकिन राजू भाई नाम से क्या मतलब, लोग पढ़े लिखे अच्छे इंसान बने, वही तो बात है। घर में आपका कौन कौन है राजू भाई? मेरा माँ है, भाई है, बाबा है। और कैसा लगता है आप जब घर छोड़ के इतने दिनों बाहर बाहर काम करते हो? तो काम तो करना पड़ेगा ना। ऐसे राजू भाई जैसे इंसान अपने घर परिवार छोड़ के हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं कि हम यहाँ पर आ सके, पढ़ सके, तो बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई। पूरे परिवार को सेक्रीफाइस करके आप लोग आए हैं, इतने दिनों तक यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये करना पड़ता है परिवार के लिए ही, तो करना पड़ता है परिवार के लिए, तो कुछ भी करना पड़ता है। अच्छा, अपना नाम? तपन विश्वास। तपन विश्वास, आपनार बाड़ी? नदिया जिला। নদিয়া জেলায়। পরিবার ছেড়ে আপনি এসছেন, মানে পরিবারকে বাঁচানোর জন্যই এসছেন। কখনো কখনো পরিবারকে মিস করেন? হ্যাঁ মিস করছি, এই তো লকডাউনের জন্য আমি 3 মাস মিস করছি। বাড়ি থেকে ফোন, বাড়িতে কে কে আছে আপনার? বাড়িতে আমার ছেলে আছে, বউ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আশা করব যে আপনি পরিবারের কাছে তাড়াতাড়ি যেতে পারবেন। তো ফাইনালি জো হোতা হ্যায় আচ্ছে কে লিয়ে হোতা হ্যায়। মে আন্দর শুটিং কর রাহা থা और मेरे पैर में एक घुस गया पेरेक, और पेरेक घुसने के बाद बहुत ज्यादा खून बहने लगा। मेरे पैर में घुस गया एक पेरेक, लेकिन यहाँ का जो मजदूर है उसका खून पसीना बेकार ना जाए, मेरा जो काम है ये बेकार ना जाए, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। और वीडियो के शुरू में जैसे मैंने कहा था यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं फेस किया वो है यहाँ का पॉल्यूशन। जब से मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था तब से यहाँ का जो पॉल्यूशन लेवल है मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था कि अभी तो सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। तो आप क्या क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि इस जगह पे इस यूनिवर्सिटी होना सही मायने में सही है या नहीं। लेकिन बहुत अच्छी बात है झाड़ग्राम में एक यूनिवर्सिटी बन गया, क्योंकि बहुत परेशान होता था स्टूडेंट लोगों के लिए, उसको जादवपुर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, विद्यासागर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, लेकिन आज के बाद झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी में ही लोग आएंगे पढ़ने के लिए। और मेरा पूरा पूरा उम्मीद है यहाँ से अच्छे अच्छे इंसान निकलेंगे, अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे, अच्छे अच्छे सिंगर्स निकलेंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स निकलेंगे, और अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स भी निकलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपका क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक ना एक दिन झाड़ग्राम यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया का अच्छा यूनिवर्सिटी बनेगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो से मैं प्रीतम डी ब्लॉगर अलविदा ले रहा हूँ। मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे मुद्दों पर, तब तक के लिए अच्छे रहिए, सेफ रहिए, एक दूसरे को मदद करते रहिए, और पढ़ाई करते रहिए, यूनिवर्सिटी जाते रहिए, खेलकूद करते रहिए, एनवायरमेंट को बचाते रहिए, पॉल्यूशन कम करते रहिए, और इतना कुछ करने के बाद अगर छोटा सा टाइम आपका मिल जाता है तो मेरे वीडियो देखते रहिए। मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पैर में बहुत दुख रहे थे।